हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केएमसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, कंगारू मदर केयर। कंगारू क्या है? कंगारू एक जानवर होता है जो अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो जानवर अपने बच्चे को 365 दिन तक अपने पेट की थैली में रखता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा पूरी तरह से सेफ सुरक्षित रहे, बाहरी जो भी खतरे हैं उनसे वो बचा रहे। इसी तरह से जो माँ होती है उससे भी ये उम्मीद की जाती है, फिर उसे भी एक ऐसी टेक्निक प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू अपने बच्चे को पूरी तरह से एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जिसको हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। तो कंगारू मदर केयर एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो माँ और बच्चे होते हैं उनके बीच स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम से कम किया जा सके। केएमसी का उद्देश्य होता है कि जो भी शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। केएमसी के थ्रू जो भी हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है उससे बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, या फिर जो एसजीए वाले बच्चे होते हैं, उनके जो वाइवेबल का चांस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम उनको केएमसी टेक्निक के थ्रू केयर देते हैं तो इसकी वजह से वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म लेता है, अगर मान लीजिए बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं प्री टर्म या फिर प्री मेच्योर बेबी। तो ये जो बच्चे होते हैं इनके लंग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, तो इनका जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर ये सर्वाइव करने में थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम इन बच्चों को केएमसी के थ्रू केयर प्रोवाइड करते हैं तो ये आसानी से फिर सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे का जो वजन है वो सामान्य से कम है, मतलब कि वो लो बर्थ वेट बेबी है। सामान्यतः हमको पता है कि नॉर्मल बच्चे का जो वजन होता है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है। लेकिन अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो इसमें उसका वजन जो होगा वो 2.5 kg से कम होगा। और अगर यहीं पे वेरी लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका जो वजन होगा वो 1.5 kg से भी कम होगा। और अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है, मतलब कि ELBW है, तो ऐसे बच्चों का जो वजन होता है वो 1 किलो से भी कम होता है। तो इन बच्चों में जो केएमसी होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, उनको बहुत ही अच्छी इससे सर्विस मिलती है और फिर वो भी आगे सर्वाइव करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। या फिर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उनका जो विकास है वो नहीं हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एसजीए, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको भी सर्वाइव करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन अगर हम केएमसी टेक्निक के थ्रू उनको सर्विस देते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी वो क्या होता है, सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी जो मृत्यु दर है वो कम से कम हो जाती है। तो केएमसी बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग तो रखते ही रखते हैं, साथ ही एक ऐसा अटैचमेंट रहता है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो खुद को सेफ फील करता है और फिर बहुत सारे उसमें अनचाहे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो केएमसी की टेक्निक है इसको किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया, क्योंकि ये एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसके थ्रू हम माँ और बच्चे की केयर करते हैं, तो सबसे पहले ये टेक्निक डेवलप की गई 1978 में डॉक्टर एडगर रे एंड डॉक्टर हेक्टर मॉर्टिन के द्वारा। ये कहाँ पे डेवलप की गई? कोलंबिया में। सबसे पहले जो इसका यूज हुआ कहाँ पे हुआ? कोलंबिया में हुआ। और ये जो केएमसी की टेक्निक है ये डॉक्टर एडगर रे और डॉक्टर हेक्टर मार्टिन के द्वारा 1978 में डेवलप की गई। और अगर हम बात करें कि इंडिया में इस टेक्निक को कब लागू किया गया, तो इंडिया में इसको लागू किया गया 1994 में, मतलब 1994 में जो केएमसी है उसको भारत में अपनाया गया। और इसके पहले इसका जो डेवलपमेंट हुआ इस टेक्निक का उसको 1978 में डॉक्टर एडगर रे और डॉक्टर हेक्टर मार्टिन ने किया, और इसका यूज कोलंबिया में सबसे पहले किया गया जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और फिर इसके बाद इसका धीरे धीरे विस्तार हो गया।
तो अब अगर हम इसके टेक्निक्स की बात करें कि किस तरह से ये केयर दी जाती है एक बच्चे को, अगर बात करते हैं हम इसके टेक्निक की, इसके तरीके की, किस तरह से केएमसी दी जाती है, तो फर्स्ट है इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली, मतलब कि जो माँ और बच्चा है उसके बीच में एक कांटेक्ट होगा जो स्किन टू स्किन होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, माँ बच्चा डिलीवर करती है, वैसे ही तुरंत जो बच्चा होता है उसको माँ के चेस्ट पे रख दिया जाता है। अब उस पर रखने की जो पोजिशन होती है वो कैसी होती है, वैसा नहीं है कि हमने जैसे उठाया वैसे ले आके पटक दिया, ऐसा नहीं करना है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके बाद बच्चे को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको कट करने से पहले ही जो माँ के ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पे हम बच्चे को लिटा देते हैं। लिटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम किस पोजीशन का यूज करते हैं, उसमें जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपराइट पोजीशन। तो अपराइट पोजीशन में हम बच्चे को लिटा देते हैं, माँ के दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है वहां पे, और उसका जो हेड होता है बच्चे को, बच्चे का, उसको वन साइड हम टर्न कर देते हैं। अगर ये फीमेल है तो फीमेल के ये क्या है, ये ब्रेस्ट का एरिया है, तो अब ये ब्रेस्ट के बीच में जो स्पेस होगा हम यहीं पे बच्चे को लिटा देंगे। लिटाने का जो पोजिशनिंग होगी वो क्या होगी कि माँ का जो ब्रेस्ट होगा उसी के तरफ बच्चे का जो चेस्ट वाला पार्ट होगा वो रहेगा, और उसको हम लिटा देंगे अपराइट पोजिशन में, और उसके हेड को एक तरफ हम टर्न कर देंगे। बच्चे के जो दोनों हैंड होंगे और दोनों लेग्स होंगे वो फ्लैक्स हो जाएंगे, हिप भी थोड़ा सा फ्लैक्स होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग पोजीशन, मतलब कि बच्चे को हम बिल्कुल मेढक की तरह सुला देंगे। कहाँ पे, माँ के चेस्ट पे। जब बच्चा माँ के चेस्ट पे होगा तो बिल्कुल फ्रॉग की पोजीशन पे होगा, मतलब जिस तरह से एक मेढक होता है उस तरह से उसकी पोजीशन होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो केएमसी की टेक्निक है ये कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो केएमसी की टेक्निक जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है वैसे ही इमीडिएटली तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें माँ मान लीजिए नहीं रहती है, इन कंडीशन अगर माँ की डेथ हो गई या फिर अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है, माँ को मान लीजिए कि स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ रहा है, माँ ओटी में है और बच्चा बाहर लाना है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी व्यक्ति मदर के साथ गया हुआ है, वो भी बच्चे को केएमसी दे सकता है, कंगारू मदर केयर दे सकता है, अपने सीने से लगा के बच्चे को केएमसी जो टेक्निक्स है उसको दे सकता है। इसके लिए जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बता सकते हैं कि इसको किस तरह से देना है बच्चे को। नॉर्मली क्या होता है कि जो इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहता है। अब जैसे ही बच्चा बाहर इस दुनिया में आता है तो जो इन्वायरमेंट होता है उसको वो जल्दी से कवर अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब बच्चे के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर उसको केएमसी जैसी टेक्निक दी जाती है तो इसकी वजह से आसानी से बच्चा सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि जब हम माँ और बच्चे को एक साथ रखते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो उस दौरान जो माँ के शरीर की गर्मी होती है उसकी वजह से बच्चे का शरीर भी गर्म होता है और वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो जाता है। साथ माँ और बच्चे के बीच में एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बनती है, एक लगाव होता है। इसके साथ ही जो बच्चे का ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी अच्छा होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें बच्चा अच्छे से ब्रीथिंग ले पाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम केएमसी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये हम कब तक दे सकते हैं, तो केएमसी हम 12 वीक तक दे सकते हैं। जो केएमसी देने का केएमसी का टाइम ड्यूरेशन है ये 12 वीक तक हम बच्चे को दे सकते हैं, मतलब 12 सप्ताह का मतलब कि 3 महीने तक केएमसी कंटिन्यू दी जा सकती है। और ये कब देनी चाहिए, तो केएमसी 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 बार तक जरूर देना चाहिए, और इसमें 1 घंटे का समय ऐसा रखना चाहिए जिसमें माँ और बच्चा एक साथ हो, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो केएमसी कब देते हैं, बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद स्टार्ट कर देते हैं, कब तक देना चाहिए, 12 सप्ताह
तक या फिर 3 महीने तक इसको हम कंटिन्यू देते हैं। और इसको कितने घंटे तक देना चाहिए, तो 1 घंटे तक हम इसको देते हैं, 24 घंटे में 2 बार इसको हम दे सकते हैं। और जब देते हैं तो उसमें 1 घंटे का समय कम से कम रहना चाहिए कि माँ और बच्चे एक साथ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रहें। तो अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स की मतलब इसके क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट है इसमें इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। मतलब कि KMC देने की वजह से जो माँ और बच्चा होता है उन दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच एक लगाव पैदा होता है। पहली तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड सेकेंड है इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। तो ये सेकेंड एडवांटेज है, सेकेंड ऐसा लाभ है कि जब अगर हम माँ और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो इसकी वजह से जो ब्रेस्ट सप्लाई है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, वो बढ़ती है। क्योंकि जब हम माँ और बच्चे को एक साथ रखते हैं, 1 घंटे के लिए एक साथ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो उस दौरान जो माँ और बच्चे होते हैं उन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होती है, और माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करवाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को मिलनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिय मिलना चाहिए, एक जो समय मिलना चाहिए, वो सभी बच्चे को आसानी से अवेलेबल हो जाता है KMC के थ्रू। तो इसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे का फिजिकल या फिर मेंटली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी प्रॉपर बहुत अच्छे से होता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है इंक्रीज कॉन्फिडेंस एबिलिटी ऑफ मदर रिलेटेड टू बेबी केयर। मतलब कि बच्चे के केयर से संबंधित जो भी कॉन्फिडेंस है वो भी माँ के अंदर बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, उसको लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती है और कर रही है। तो इस तरह से माँ का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जैसे बहुत से ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि डिलीवरी के बाद जो पोस्टर्म का पीरियड होता है उस दौरान बहुत सी माँ डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत सी माँ को एंजाइटी होने लगती है, बहुत वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अकेला महसूस करती हैं, वो ये समझने लगती हैं कि वो अपने बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही हैं, जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इन सब से भी माँ बची रहती है और साथ ही जो बच्चा होता है उसको भी जो भी केयर चाहिए वो प्रॉपर मिलती है। तो KMC के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी। मतलब कि जो बच्चा होता है उसमें जो कार्डियक एक्टिविटी होती है और रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है, ये भी क्या होता है, ये भी इसमें भी स्टेबिलिटी आती है। बच्चे का जो वाइटल साइन होता है, मतलब बच्चे का जो टेम्परेचर है, बच्चे का जो पल्स है, BP है, हार्ट रेट है, ये सभी स्टेबल होते हैं। क्योंकि जब वो माँ से मिलता है तो उस दौरान उसको एक सिक्योरिटी जैसा महसूस होता है, वो खुद को ऐसा महसूस करता है कि वो बिल्कुल सेफ हैंड में है, और इस वजह से जो बच्चे के वाइटल साइन होते हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाते हैं, फिर बच्चा हर तरह से खुद को सेफ फील करता है। तो KMC का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर कंट्रोल। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चा होता है वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होता है। किस तरह से प्रिवेंट होता है, जब माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है तो जो माँ के शरीर का हीट होता है वो बच्चे को भी मिलता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया से वो पहले ही प्रिवेंट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल रहता है KMC का, ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इसमें सिक्स है डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर KMC हम बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी वजह से जो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो भी बहुत कम रहते हैं। क्योंकि जब बच्चा नई दुनिया में आता है तो उस दौरान जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है। तो जब माँ उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देती है, माँ उसकी केयर करती है, तो इसकी वजह से जो बच्चे का शरीर का टेम्परेचर है वो भी सामान्य रहता है, साथ ही उसके वाइटल साइन भी स्टेबल रहते हैं, बच्चा खुद को सिक्योर फील करता है माँ के हैंड में, माँ के
पास। और बहुत से ऐसे चेंजेस भी बच्चे में होते हैं, क्योंकि जब मेंटली जो बच्चा है वो सिक्योर रहता है, मेंटली बच्चा खुद को सेफ फील करता है, तो इसकी वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम है या फिर जो भी उसके अंदर चेंजेस होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से हर तरह से बच्चा सेफ होता है, चाहे वो बाहरी इन्फेक्शन हो या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, हर तरह से बच्चा सेफ रहता है। नेक्स्ट इसमें सेवेंथ है एडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है ये पॉइंट कि जो बच्चा होता है उसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से होता है, क्योंकि माँ उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवाती रहती है, बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, बच्चे के बटन स्टेबल रहते हैं, और साथ ही जो बच्चा है वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट रहता है। तो इन सब की वजह से जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही जो बच्चा होता है उसमें स्ट्रेस के लक्षण नहीं दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं लेस स्ट्रेस ऑफ इन्फेंट, मतलब कि जो बच्चा है उसमें स्ट्रेस जैसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोई भी सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो माँ के हाथों में खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। तो जो केएलसी की टेक्निक है वो हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को माँ को बता देनी चाहिए, बच्चे के जन्म के पहले ही हमको ये चीज़ें बता देनी चाहिए फीमेल्स को, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तैयार रहे कि उसको अपने बच्चे को किस तरह से केयर देनी है, केएलसी जो टेक्निक है वो किस तरह से उसको करनी है। अगर उसको पता रहेगा तो वो प्रॉपर इसमें अपना सहयोग देगी और फिर अच्छे से हम बच्चे की देखभाल कर पाएंगे। तो ये टोटल 8 बेनिफिट्स हैं किसके, केएमसी के, मतलब केएमसी की जो टेक्निक्स है उसके 8 ऐसे लाभ हैं जो बच्चे को डायरेक्टली मिलते हैं, और माँ को भी इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो माँ और बच्चों को दोनों को इससे लाभ मिलता है, इसके एडवांटेज मिलते हैं। तो हर माँ को इसके बारे में पता होना चाहिए, हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके टेक्निक के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में, और इसके देने का जो तरीका है जैसे पोजिशनिंग है, टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि जब माँ डिस्चार्ज होती है हॉस्पिटल से जाती है तो उसके बाद भी अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता है तभी वो माँ को सजेस्ट करेगा कि जब आप घर पे जाइएगा तो भी आप प्रॉपर जो ये टेक्निक है इसको अप्लाई करिएगा, आप अपने बच्चे को इसी तरह से स्किन टू स्किन जो कॉन्टेक्ट है ये 24 घंटे में कम से कम 2 बार 1 घंटे के लिए जरूर दीजिएगा, जिसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली जो बच्चे का मेंटल ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, साथ ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छे से मिल जाएगी, माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग जो होती है साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग वो भी बहुत अच्छी रहेगी, और भी साथ साथ बच्चे को बहुत सारे इसके फायदे होंगे और माँ को भी होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो केएमसी की टेक्निक्स है कैसे देनी चाहिए, इसके क्या लाभ है, कब तक देनी चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।